सो हे गाइस, फाइनली वन प्लस के नॉर्ड 3 स्मार्टफोन के ऑफिशियल रेंडर्स रिवील्ड हो चुके हैं। एंड वैसे रिसेंटली स्मार्टफोन से रिलेटेड डिवाइस के ऊपर नए नए फीचर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। जहां तक मुझे लगता है ये स्मार्टफोन कुछ डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस को ही कैरी करने वाला है। कुछ सॉलिड चीज़ें ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। वैसे ये स्मार्टफोन अपने नए नए फीचर्स और कमाल के प्राइसिंग के साथ इंडिया में आने वाले कुछ ही दिनों में लॉन्च होने जा रहा है। तो इसमें क्या नए नए चीज़ें देखने को मिलेगी ये आपको भी पता होनी चाहिए अगर आप स्मार्टफोन के लिए वेट कर रहे हो। तो गाइस, ऐसे ही स्मार्टफोन के ऊपर डेली अपडेट्स पाने के लिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो जरा भी अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक भी कर लीजिएगा। सो रिसेंटली मुकुल शर्मा ने ट्वीट किया है कि वन प्लस जो एक न्यू रीब्रांडेड स्मार्टफोन वर्जन लेके आ रहा है ओप्पो रिनो 8 प्रो का। तो यानी कि जल्द ही एक रीब्रांडेड स्मार्टफोन देखने को मिलेगा वन प्लस की तरफ से, वो भी सेम स्पेसिफिकेशंस ओप्पो रिनो 8 प्रो के साथ में। और जहां तक मुझे लगता है ये वन प्लस का नॉट 3 हो सकता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फीचर वाइज देखा जाए तो ये फीचर्स वन प्लस नॉट 3 के सेगमेंट के आसपास देखने को मिल जाता है। एंड वहीं बात की जाए वन प्लस के नॉट 2T का, तो ये भी एक रीब्रांडेड स्मार्टफोन था ओप्पो के स्टैंडर्ड रिनो 8 का। तो डेफिनेटली वन प्लस के नॉट 3 स्मार्टफोन भी कहला सकता है एक रीब्रांडेड स्मार्टफोन ओप्पो के स्टैंडर्ड रिनो 8 प्रो का। एंड वहीं मैं बात करूँ स्मार्टफोन के अंदर यानी कि नॉट 3 स्मार्टफोन के अंदर मिलने वाले नए नए फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे 6.62 इंचेस से लेके अप टू 6.7 इंचेस के आसपास एक बड़ी सी स्क्रीन साइज देखने को मिल जाती है विद फुल HD प्लस AMOLED पैनल के साथ में। एंड वहीं डिवाइस को पावर जनरेट करने के लिए क्वालकॉम के स्टैंडर्ड वर्जन यानी कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Zen 1 का भी यूज़ किया जा सकता है, जो कि सैमसंग की 4nm टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। हालांकि इसी चिपसेट के साथ नथिंग के नए स्मार्टफोन नथिंग फोन 1 स्मार्टफोन भी जुलाई के मंथ में दिखाई देगा, जो कि इजली वन प्लस के नॉट 3, गूगल पिक्सल 6 है और इजली बहुत से नए नए स्मार्टफोन को अपने कमाल के फीचर्स के साथ टक्कर दे सकता है। बाकी वन प्लस का नॉट 3 स्मार्टफोन 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 प्राइमरी सेंसर को अपने बैक के साइड में कैरी करने वाला है, वो भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होगा एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। एंड फ्रंट की बात करें तो स्मार्टफोन की फ्रंट के डिस्प्ले में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट हाउसिंग कैमरा में सेल्फी कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि ओप्पो के रेनो 8 प्रो स्मार्टफोन में OS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पे वन प्लस नॉट 3 स्मार्टफोन में OS 12.1 देखने को मिलेगा एंड एंड्रॉयड वर्जन आउट ऑफ द बॉक्स 12 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। एंड बैटरी वेंट की बात करें तो नॉट 2T स्मार्टफोन की तरह नॉट 3 स्मार्टफोन भी 4500 mAh की मैसिव बैटरी को कैरी करेगा, विथ मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 80W का फास्ट वायर चार्जर का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यही कुछ फीचर्स है जो नॉट 3 स्मार्टफोन में देखने को मिल सकता है। बाकी बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग डिटेल्स के बारे में, तो ये स्मार्टफोन 35,000 के प्राइसिंग से कम में इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है और ये स्मार्टफोन नेक्स्ट मंथ जुलाई के लास्ट वीक में इंडिया मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। तो यही था गाइस कुछ डिटेल्स अपकमिंग डिवाइस वन प्लस नॉट 3 स्मार्टफोन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक भी कर लीजिएगा। सो गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।